नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। इस समय हम लोग सातरोड पहुंच चुके हैं। कल नगर निगम का घेराव करने के लिए जो सातरोड के वासी पहुंचे थे, यहाँ के जितने निवासी थे, सातरोड के जो निवासी थे वो नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे, तो उसकी जो सच्चाई है वो दिखाने के लिए हम इधर इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ के इस रोड की क्या हालात हैं। इस रोड की जो हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नालियाँ और जो यहाँ पे जो सड़कें हैं उसकी इस समय क्या हालत है। और इस समय सातरोड पे हमारे साथ एक कुलदीप मौजूद हैं जो कि यहाँ सातरोड के निवासी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या बोलना है। जब पंचायत में थे ना, इतनी सुविधाएँ थी, मतलब रिकॉर्ड तोड़ गाँव था हमारा सफाई की तरफ तक भी, और रोड तो कहने नहीं थे। पंचायत का सरपंच को बाँ पकड़ के काम करवा लिया करते, और गांव का जब सरपंच बन जाए, मुखिया बन जाए, तो वो गांव का विकास कराया कर रहा है। कितने साल पहले की बात? ये जब से निगम आया है 10 साल का नेड़े तो निगम में आए न हो गए हैं, और 3 साल तक यह ग्रांट दे रखी है। 3 साल में हमारी इतनी बिरान माटी कर दी। मैं नु कहूँ, 7 करोड़ गाँव मिल के न गणे तो कुनकंदा 5 लाख रुपये इनाम देगा। अगर इससे भूडा गांव कोई पा जाए ना, अपना हरियाणा का हिसार जिला 32,000 किलोमीटर एरिया में को है, अगर उस 32,000 किलोमीटर एरिया में कोई भी वर्ग किलोमीटर में अगर कोई सा गांव पाए जाए ना, इतनी सफाई यू इतना बिघन, 5 लाख रुपये 7 करोड़ गांव उस गांव को इनाम देगा, इस नगर निगम ने इनाम देगा। आप हालात देखो। सबसे शर्म की बात यह है, यहाँ प्राइमरी जो चिकित्सालय है ना जी, उसका रास्ता ही आपने देखो। चिकित्सालय का मतलब इमरजेंसी की सुविधाएं देना, किसी मरीज के को दिक्कत हो जाए, कोई डिलीवरी का केस आ जाए। मेरे ख्याल में एम्बुलेंस तो छोटे, ये बड़ी बस के आपने अब देखी होगी वीडियो, बस भी नहीं टप सकती एम्बुलेंस के, तो बहुत छोटे टायर वो हैं, वो तो फंसी फंसाई है इसके अंदर। और ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लड़कियों का, इसके बाहर को हालात देख लो आप के हो रहे हैं, और अंदर के हालात तो आप देख लोगे ना, मेरी समझ में आपकी बाइक और ये गाड़ी तो निकले नहीं सकती। तो कल घेराव किया आप लोग ने, उसके पहले यहाँ के प्रशासन से कोई शिकायत की या नहीं? क्या एक बारी मैं नूँ 6 बारी कमिश्नर, नगर निगम के कमिश्नर जो आ लिए ना, 6 बारी आ लिए यहाँ, 3 बारी लिखित में आश्वासन दे के चले गए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आखिरी में कल कमिश्नर साहब ने हाथ उठा दिए, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की कोई बात नहीं है, मेरे बस में कोई बात नहीं, आप ऊपर बात करो। हमने जब मेयर साहब तक करी, मेयर साहब ने भी पता नहीं मिट्टी गोली दी है, काम करेंगे। आपकी जितनी मांगे वो पूरी हो पाएंगे? नहीं करेंगे तो फिर हमने तो अल्टीमेटम 30 तारीख का दे रखा है। 30 तारीख के बाद में, 30 तारीख का इंतजार है, 30 तारीख के बाद में 1 तारीख को पूरा गांव जो 30 तारीख को फैसला आ जाएगा, पूरा गांव जो मिलके जो फैसला, चाहे वो रोड जाम करना हो, चाहे नगर निगम का घेराव करना हो। घेराव का मतलब ये नहीं है कि आज कल, हम जो कल तो एक ट्रेलर था वहाँ, या तो बिल्कुल ब्लॉक कराया जाओगा नगर निगम को, या कमिश्नर या मेयर का दफ्तर में भीतर जाके बैठने का काम करांगे। मारे डांगर पशु जो आड़ है नहीं, इन बड़किया ना डांगर पशुआन ले जाने का काम करांगे, वो गांव बताओगा इन मतलब करना के है, वो एक काम करांगे। घेराव शांतिपूर्वक होगा? आज लग ये किसान आंदोलन चल रहा है, 10 महीनों के शांति प्रिय चल रहा है, चला वो भी शांति प्रियगा, चला वो भी शांति प्रियगा, अरे रुको एक बार, चला वो भी शांति प्रियगा, आप देखना कोई भी, लेकिन तंग हो रहे हैं। मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वो दिखाओ आप, प्रशासन की आँख खुला, बाकी प्रशासन से छुपा हुआ नहीं है। प्रशासन 3 बारी आ लिया है, कमिश्नर जब आ लिया, जो नगर निगम के मालिक है वो यहाँ आ लिए, अब बताओ क्या रहेगी। और मेयर साहब ने कहा कि मैं 2 दिन में चंडीगढ़ से आके गांव के हालात देखूंगा। चलो मेयर साहब भी धन्यवाद होगा, बुला रहे उनको, आमंत्रित कर रहे कि आए और एक बार सातरोड के हालात देखें। क्या जी, पहले ये जो रोड था ये PWD ने बनाया था, और बाहर जो फिरनी की जो गलियाँ थी वो रामनिवास जी ने बनवाई थी, और हम दूसरे गांव में किसी में जाया करते ना तो हमारे गांव की गलियाँ और रोड इतने बढ़िया थे, और गांवों में कीचड़ होया करता। आज हम किसी गांव में जाते हैं वहाँ तो बढ़िया रोड है, और हमारे गाँव का ये हाल देखा, आगे देखो आप और गाँव में और भी जाके देखोगे तो ये हाल हमारा। तो 3 साल हो गए, 3 साल तो अगर 2 बूंद हो जाए ना तो यहाँ से पैदल भी निकलना मुश्किल है, ये हाल है यहाँ का। तो यहाँ पे और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ की हालात जो स्थिति दिख रही है उनके बारे में, ये सब यहाँ के लोग क्या बोलना चाहेंगे। जी आप बताइए कि यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? खूब घटिया स्थिति है, कोई वो नहीं है, अगर भाई यहाँ कोई शुभ है। यहाँ की स्थिति तो बड़ी दर्दनाक है मैडम, यहाँ +2 का स्कूल है लड़कियों का,
वहाँ जैसे भी दो बूंद आती है तो पूरा पानी भर जाता है। तो हम तो सरकार से यही मांग उठाते हैं कि इस गांव का विकास कराए, नहीं गांव के लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। यहाँ के प्रशासन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? प्रशासन का कोई समाधान नहीं जी, कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता। अगर जाते उनके पास वो हाथ खड़े कर देते हैं, हमारे पास कोई इलाज नहीं सर इसका। हम इससे बिल्कुल प्रशासन से और सरकार से बिल्कुल परेशान हैं। हमारी ना तो कोई सुनवाई हो रही और ना चीज़ का कोई प्रबंध हो रहा है इसमें। हमारे पूरे गांव के अंदर ना कोई पानी की निकासी का प्रबंध है, ना कोई बरसाती पानी का कोई प्रबंध उस चीज़ का। बिल्कुल आने जाने की कोई समस्या, कोई समाधान की चीज़ का कोई वो नहीं है यहाँ पे। यहाँ के वर्तमान प्रधान, जितने जो वर्तमान विधायक हैं, आप उनसे, उनके जो कार्य हैं उनसे कितना सहमत हैं, जो उन्होंने काम किए हैं? बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया। अभी देख लो, अब ये स्कूल शहर है बच्चे, इनका क्या हाल होगा जमा पानी भरना। बाइक का तो बिल्कुल, बाइक और पशु का तो बिल्कुल ही काम खराब है। आदमी तो फिर भी थोड़ा समझदार है, पशु कैसे टपेंगे, पशु की ओर देखो, पैर टूट रहे हैं, कोई भी आओ जाओ उसका भी पैर टूटता है। और स्कूल व्यवस्था जो यहाँ पे जितने विद्यालय है उसकी व्यवस्था कैसी होगी? स्कूल अच्छे हो रहे हैं जी अब तो, खैर बाकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन रास्ता खराब है जी, आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा खराब है। स्कूलों में व्यवस्था कैसे ठीक होगी जी? स्कूल के सामने पानी भरा रहता है, आने जाने में बच्चों कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे वहाँ पे? पानी गोड़ो तो पानी भरा रहता है वहाँ पे, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे वहाँ पे? इस प्रशासन के पाइस व्यक्ति है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं टप सकता इधर बिल्कुल भी। जी आप बताइए कि आप यहाँ की सड़कों की जो स्थिति है उसके बारे में क्या बोलना चाहिए, किस परेशानी? बदहाल स्थिति है जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता। लेडीज़ के लिए तो इतना मतलब जो है समस्या है कि पानी वो ला सकते नहीं, गोबर वो गिर सकते नहीं, आटा वो पिसाने जा सकते नहीं जी। अगर गांव में कोई डिलीवरी होनी हो तो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले पहले गांव में हो जाएगी जी, जैसी गलियां आप देखने लग रही हो। हाँ, इतना हाथ से बदहाल हो चुके हैं जी, बाकी महाराज जीना दोबर हो गया है। ये हमारी गली देखो, बारिश आती कम से कम 3 फुट 3.5 फुट पानी इस गली में चढ़ जाता है। आप मौके के ऊपर जाकर के देख सकते हो, हमने 10 बार रिक्वेस्ट कर ली लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई कहीं भी जी। अधिकारियों के पास में जाते हैं जी, बस टका जवाब हाँ जी हो जाएगा, फोटो खींच के ले गए जी, लेकिन काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। दरख्वास्त करती हूँ कि वो यहाँ की जो सड़क की स्थिति है एक बार जरा दिखाए। हाँ। कि यहाँ की सड़कों की हालत कितनी खराब है, आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे पानी भरा हुआ है सड़क पे। ये तो कुछ भी नहीं मैडम, आगे जब आगे जाकर के देखोगे तो नहर बाईपास से लेके और गांव की सड़क के अंदर तक आप पैदल चल के दिखा दो, मैं अपना मान जाऊंगा मैं नहीं चल सकोगे जी, मतलब इतना बुरा हाल है। और मेन गाड़ी है जी गाँव की, जो कि पूरे गांव को मतलब कई गांवों को दौड़ती है, इसका ये हालत हमारी लोकल गलियां ख्याल होगा। मतलब मैडम जी महाराज जीना दोपहर हो रहा है बस बात। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ की जो सड़कों की स्थिति है काफ़ी बेकार है, यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। अगर इन्हें हॉस्पिटल भी जाना हो किसी की डिलीवरी के लिए तो कोई भी इंसान इस सड़क से होकर हॉस्पिटल तो जा ही नहीं सकता। यहाँ पे और भी जिन लोग से पूछा, यहाँ के प्रशासन के हाल के बारे में पूछा, तो प्रशासन का हाल भी बेकार ही है। प्रशासन से अगर ये कोई मदद मांगने चाहते हैं तो प्रशासन 1% की भी सहायता इनकी नहीं करती है। हालांकि इन्हें ये उम्मीद है कि अभी जो रामनिवास गुड़ेला है, अगर वो दोबारा विधायक बनते हैं तो उनसे कुछ उम्मीदें हैं कि शायद वो और यहाँ पे कुछ जो समस्या है उसका समाधान निकाल सके, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था सही कर सके, यहाँ पे जो स्कूल है उसकी व्यवस्था सही कर सके, जगह का इस सात रोड का कितना समाधान निकलता है। अभी के लिए इतना ही, कैमरामैन सचिन के साथ मैं विनीता तिवारी, RSN Express।